नमस्कार, भोला राज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी आज 25 दिसंबर है और आज हम लोग 2005 में जितने भी साथी पास आउट हुए थे मैट्रिक के, सभी दोस्त लगभग जितने भी हो सकते हैं, आज सभी दोस्त हम लोग अभी एक पिकनिक स्पॉट पर मिलने वाले हैं। तो अभी मैं एक अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, उमेश राज का, अभी आएंगे। चलिए, हमारे मित्र आ गए। बाबू कुछ खाओ लो। ए तो भैया कुछ खाओ लो ना। ब्लॉग शुरू है। हेलो एवरीवन। चल दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ लोग तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये गाड़ी में सब सामान डाला जा रहा है। देखिए बंधु, अभी सब हाँ, अरे आ गए। देखिए, अब देखिए चले। अभी हम लोग निकल रहे हैं और गाड़ी भी निकल रही है सामान वाली। विधायक के साथ हम लोग निकल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से अभी हम लोग पानी लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पानी में है। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे गन्ने का रस पीने के लिए। गन्ने का रस पीने के बाद हम सभी लोग पिकनिक स्थल की ओर जा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को बाएं लेना है पप्पू ढाबा की ओर से, और फिर बाएं लेकर हम लोग आगे की ओर जाएंगे। ये पप्पू ढाबा है, यहीं से हम लोग बाएं लिए हैं और फिर इधर आगे जाके जंगल के बीच में हम लोग जाने वाले हैं। अभी सभी लोग यहाँ उतरे हुए हैं और अभी जा रहे हैं जगह खोजने के लिए। तब तक हम इधर कुछ जंगली फल खा लेते हैं। ये है कनौदा का पेड़। स्थान का तलाश हो चुका है अभी और गाड़ी वगैरह सब अंदर लाया जा रहा है। अच्छा, हो जाएगा, हम निकाल देते, कोई झोल झाल नहीं, तो आराम से आ जाइए बंधु लोग। अजय जी, सभी सामान अभी यहाँ पे लगा दिया गया है। पानी वगैरह, पहले चाय नाश्ता चलेगा, उसके बाद आगे का काम होगा। तो मैं पहले पानी पी के देखता हूँ। चलिए, शुभारंभ करने जा रहे हैं हमारे राजेश जी। अगला बार से कहता कि हम नहीं जानते, जाना जाने छोड़ दो। तेल बनेगा अगला बार से तो नहीं। वैसे नहीं जानते, इधर आ तो फंस गए, इधर आ रहे।
कितना मुश्किल से ये कोई जन्म ले अभी नवे छोड़े में कई समय अगर बोल सकते आ जाइए सीधा यार ऐसे लेंगे तो हम ही नहीं आएंगे जी। देखिए चलिए भैया भी है आज के दिन में भैया नहीं कोई बोलेगा गड़बड़ नहीं करना है। आज वाली फोर क्लास पे बोला जी हाँ पवन से फिर बोल हाँ सबसे पहले लैंडमार्क लड़का का लड़के नहीं हो सबसे अधिक अपने समय में बहुत लफड़ाबाजी किया बहुत अरे बाप ये मुंह उठा कीजिए पहले बर्फी देखिए अभी सभी दोस्तों लोग अभी भोजन करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मनोज जी इधर ए मंद्रम साहब ए मंद्रम साहब बोला गया मंद्रम साहब आप बोल रहे बर्फी खाइए बर्फी मास्टर भैया बर्फी खाइए बर्फी मास्टर साहब द्वारा ये बाल बच्चा हुआ है इसलिए बांट रहे हैं ना भी हो रहा तो हम लोग कैसा लग रहा है आज आपको इतना फील हो रहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते इतना फील हो रहा है कह नहीं सकते पीछे रहिए अरे बप्पा ये तो गंजी पर रही अरे इसको पता नहीं आ रहा है सबके आना चाहिए बढ़िया से सेल्फी तो ले लीजिए। हाँ ये जो अभी मिठाई चला वो किस खुशी में चला एकदम सीधा सीधा घर वाले बहुत दिनों के बाद हम सब दोस्त एक साथ मिले इसकी खुशी के लिए और कुछ नहीं रहा अगल बगल और खुशी अगल बगल वाला नहीं है हमारे घर लफड़ा है ये साहब अभी आए हैं कि हाईकोर्ट से किसी का जरूरी होगा तो इनसे मिलिएगा रेल हुआ भी रहेगा उसको हो जाएगा घर वाली इधर काम कर रही है अभी क्या घर वाली जी परिचय बताइए बंद कर दिया ना जी पैन पाना दिया जी ये सटो नहीं है हमारे घर वाले में सटता है जी धीरे धीरे कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के लिए बोलो माड़ पसाते हुए बात पसावे मार रहे और ये कार्यक्रम का सारा श्रेय इसी माइंड से निकला हुआ है जिसमें है कुछ नहीं आज टाइप है ग्लेन के तो के पास चला पहले बैठिएगा कम होगा उसी तरह बादल भैया चाह थोड़ी है सब अभी यहां जाम चलेगा तो ये सब पैनल पे ना सही कार लगी हुई है ये जल्दी 2 मिनट में आइए सब बता दे क्या कम देखो तो खेल ले हो जाएगा भैया भाई जल्दी बैठ भी कि ना अभी तो बैठ नहीं रहा है जल्दी आइए और प्रदीप जी का जाते साहब यहां से बाहर के भोजन के पश्चात गीत संगीत का कार्यक्रम सब इसे बात करने लगा 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 किसी में हो गई
चाहिए, ये सब चाहिए। ए भैया उसे मारे पर कहाँ पर तेरा लगता है जी? सामने 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 इधर देख के पूरा मस्ती करने के बाद अंतिम में हम सभी लोग सामूहिक फोटो के लिए एकत्र हुए। अलग अलग कैमरा से, कई कैमरा से फोटो खींचा गया और बड़ा मस्ती किए हम लोग। अब समय है फिर से एक दूसरे से बिछड़ने का। हालांकि ये विदाई बहुत ही दुखदाई है, फिर भी हम लोग को करना पड़ेगा। एक एक करके सबको घर बैठने की व्यवस्था, सारा सामान ले जाने की व्यवस्था अभी हम लोग करने वाले हैं और फिर घर चलेंगे और फिर अगले साल फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। शुरू हुआ है 2005 बैच का जो ग्रुप बना है, तो इसमें हम लोग पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे, ठीक है, और लगातार हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम मिलते जुलते करते रहेंगे। अब हमारे सभी मित्रगण, हमारे सभी सहपाठी अपने अपने वाहन निकालकर अपने घरों की ओर चलने के लिए तैयार हैं। विदाई का पल है, एक एक करके हम लोग विदा हो रहे हैं। जिनकी जो भी वाहन की सुविधा है, इनका नहीं है, हम लोग उनके घर तक छोड़ने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से सभी को निकालने का काम हो रहा है। फिर अगले साल मिलने के वादा के साथ हम लोग अपने अपने घर की ओर चल पड़े। और बड़ा मज़ा आया, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ और फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।